वेबसाइट आप देख सकते हैं। यहां पर इस वेबसाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये आती है अपनी रोजगार भारत के नाम से। तो नाम से पता लग रहा होगा आपको कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां से आपको वर्क मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आप कुछ कहना चाहते हो, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी क्लैरिटी यहाँ पर हो जाए, क्योंकि जो कुछ मैं दिखाने वाला हूँ पूरा प्रूफ के साथ है। यहाँ पर हर तरह का डाटा एंट्री वर्क यहाँ पे आपको मिल जाता है, मल्टीपल वर्क जितने भी डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क होते हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और रोजगार भारत के नाम पे यहाँ पे आप इजिली अर्न कर सकते हो। अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि आपको एक बार एनरोल करना है, मंथली इनकम आपको में मिल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो इसके बारे में और भी चेक किया इसके बारे में, तो ये वेबसाइट के बारे में चेक किया तो ये जो है 3 महीने पहले यहाँ पर क्रिएट की गई है। अब इसके बारे में मैं आता हूँ, आगे आता हूँ, जरा एक बार नीचे स्क्रोल करके देखते हैं। होता क्या है कि हम हर चीज को पहले किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले उसका रिव्यू चेक करते हैं कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। आज डाटा एंट्री वगैरह इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मतलब फेक चीजें भी आ चुकी हैं, इसलिए हमें रिव्यूज करना पड़ता है पूरा। तो मैंने पूरी जांच पड़ताल करी इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, टाइपिंग प्रोजेक्ट्स आपको जो मिलते हैं उसके लिए आपको पहले मंथली पे पर मंथ पे करना पड़ता है इस वेबसाइट को, उसके बाद ही आपको काम देती है। काम के बारे में यह है कि 1 महीने का काम आपको मिलेगा, पर एंट्री आपको 2 रुपए मिलेंगी। पे आउट जो है वो मंथली होगा बैंक में UPI के थ्रू। 1500 डॉक्यूमेंट्स आपको पर मंथ यहाँ मिल जाएंगे जितना आप काम करेंगे। मंथली अर्निंग आपकी 3000 रुपए तक हो जाएगी। जब मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाती है पूरी डिटेल आपके सामने। ये देख सकते हैं आप, सारी डिटेल आ गई है कि आप कितनी देर काम करना चाहेंगे, अपनी अर्निंग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने घंटे आप काम करेंगे कितनी अर्निंग आपको हो जाएगी। आपके पास MS ऑफिस व MS वर्ल्ड में काम करना है आपको, टाइपिंग का पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने प्लान को एक्टिव करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्लान को एक्टिव करता हूँ यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाता है एक बार कोड, QR कोड खुल के आ जाता है। अब होगा क्या, आप अगर ये काम को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप जैसे स्कैन करोगे आपके पास से पैसे तो चले जाएंगे लेकिन कोई काम का रिप्लाई नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये टोटली फेक है, टोटली स्कैम है और ये सरासर गवर्नमेंट के नाम पर इन्होंने गवर्नमेंट का यूज किया है। अगर पता लगे किसी को तो इनके ऊपर केस भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर्स इसमें ऑलरेडी, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर आप चेक करोगे तो बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई है, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोगों को रिव्यूज नहीं लेकर, पहले लोग पढ़ते नहीं है इसके बारे में, ठाया और वीडियो बना दी। हम लोग पहले पूरी स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने पर सामने आया कि भाई यहाँ पर क्या होता है, आप इस तरह से इनकी मंथली अमाउंट पे करोगे। सोचिए अगर इन्होंने 100% भी रोज के आगे और एक बंदा 300 रुपये करता है, 30,000 रुपये हो गए इनके। उसके बाद आप वेट करते रहना, कोई काम आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी मैं बैक करके चलता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इनका जो बैक करके चलता हूँ तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अभी देखना ये नंबर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई कि ये टोटली फ्रॉड है। आप यहाँ पर कॉल करोगे, फिलहाल इन्होंने लिखा हुआ ISO सर्टिफाइड है, यहाँ पे देखिए डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत पूरा इंडिया का इन्होंने यूज कर रखा है, लेकिन हो क्या रहा है, वाकई में फ्रॉड हो रहा है, सिंपल सी बात है। और ये क्या कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को जो काम पाने की इच्छुक है, जो बेचारे इसलिए सोचते हैं कि हमें कहीं पर काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर ठगी होती है। ये देखो फिलहाल ये नंबर दिखाई दे रहा है, मैं चलता हूँ फिलहाल दूसरे वाले उसमें। अब देखते हैं आगे जाकर, ये देखिए थोड़ी देर में नंबर जो है बदल जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में इन्होंने देखिए पूरी डिटेल भी बना रखी है यूट्यूब पर .com। मतलब कुल मिला के बात यह है यार, ये कैसे कर लेते हैं इतना सब कुछ और लोग इनके चक्कर में पड़ भी जाते हैं। बेसिकली होता है, चलिए हो सकता है एक आधी बार इन्होंने किसी को काम प्रोवाइड भी कराया हो, लेकिन भाई ये काफ़ी अच्छा आज के टाइम में रिसोर्सेज हो चुका है। लोग अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं और लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ पैसे लेते हैं। और मैं हमेशा इस चैनल के थ्रू सभी अपने व्यूवर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर काम पाने के लिए कोई आपसे एक रुपया भी मांगे तो कभी मत देना, इस तरह की वेबसाइट से सावधान रहें। अगर आपको कोई काम मिलेगा तो जैसी वेबसाइट में बताता हूँ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा।